A very good morning to all of my students. I, Richa Gaur, your Maths educator, welcome you on the platform Quick Maths. Today, we will do questions of exercise 2.4 of chapter Linear Equation in One Variable. So, let's start. Question number 8 is, half of a herd of a deer, herd means group, of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of the deer. वो कह रहा है कि आपने नंबर निकालने हैं डियर के जो पूरे ग्रुप में है, हर्ड में है, जिसमें से कुछ जो हाफ हैं वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड के अंदर, कुछ जो रिमेनिंग बच गए हैं उसके जो 3/4 हैं वो खेल रहे हैं, और बाकी जो रेस्ट 9 हैं वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड से. तो ये हमने यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. तो यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. हर्ड मीन्स ग्रुप. तो कितने डियर हैं हम मान लेते हैं एक्स. तो आउट ऑफ दीज एक्स इनकी 3 कंडीशंस हैं, सिर्फ उन कंडीशंस को हमने साथ साथ लेके चलना है. फर्स्ट कंडीशन इज हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग. कह रहा है जितने भी डियर है ना, कितने हैं एक्स, उनके जो हाफ है इनके हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाय टू. तो एक्स बाय टू जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं. तो दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सेकेंड कंडीशन भी यही लिख लेते हैं. सेकेंड कंडीशन 3/4 ऑफ द रिमेनिंग. सबसे पहले हमने यहां ध्यान देना है, जो बच्चे मेन गलती करते हैं वो 3/4 ऑफ एक्स लिख देते हैं, लेकिन यहां लिखा हुआ है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग. तो सबसे पहले हम रिमेनिंग निकालेंगे. रिमेनिंग कैसे निकले, टोटल थे मेरे पास एक्स, एक्स में से एक्स बाय टू ग्रेज कर रहे हैं, तो ये हो गए मेरे रिमेनिंग. तो इसका रिमेनिंग निकालते हैं. रिमेनिंग हो गए एक्स में से एक्स बाय टू माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स बाय टू बचेंगे, है ना. एक्स फुल है, फुल में से हमने हाफ माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया, हाफ. तो मेरे पास रह गया एक्स बाय टू. अब वो कह रहा है जो आपके पास रिमेनिंग है उसका 3/4, तो इसका कर देंगे हम क्या, 3/4. तो इसका 3/4 आ जाएगा मेरे पास 3x अपॉन 8. तो ये आ गई मेरी सेकंड कंडीशन, दैट इज 3x बाय 8 आर प्लेइंग नियर बाय. तो ये कर रहे हैं प्ले, तो यहां लिख देते हैं दे आर प्लेइंग. नाउ द लास्ट कंडीशन, यही साइड पे बना लेते हैं ये लास्ट, ठीक है. ये आ गया मेरे पास कंडीशन नंबर 3, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. लास्ट कंडीशन इज रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वॉटर. कह रहा है बचे हुए जो 9 है ना वो पानी पी रहे हैं. तो यहां सिर्फ हमने क्या लिखना है, 9, क्योंकि बचे हुए 9 क्या कर रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम द पॉन्ड. तो अब यहां पे हम बनाएंगे इसकी पूरी इक्वेशन. इक्वेशन कैसे बनेगी, टोटल कितने थे मेरे पास एक्स, एक्स में से सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स बाय टू दे आर ग्रेजिंग प्लस 3x बाय 8 दे आर प्लेइंग एंड प्लस 9 आर ड्रिंकिंग वॉटर. तो मैंने तीनों conditions को जस्ट प्लस कर दिया, क्योंकि जितने मेरे पास टोटल डियर थे उसी में से ही कुछ ग्रेज कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ पानी पी रहे हैं. तो तीनों को मैंने एड कर दिया, तो x को तीनों में मैंने बांट दिया. तो ये आ गया x इक्वल्स टू ये कंडीशन फर्स्ट प्लस कंडीशन सेकेंड प्लस कंडीशन थर्ड. अब जस्ट इसको हमने सॉर्ट आउट करना है और उससे x की वैल्यू निकालनी है. तो ये निकल आएगा मेरे पास, सबसे पहले 9 कॉन्स्टेंट है तो पहले x की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है. लाइक वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं, x. तो सभी लाइक वेरिएबल्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो यहाँ x ऑलरेडी है, x बाय 2 जब ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ऐसे ही 3x बाय 8 जब ट्रांसपोज होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहां बच गया मेरे पास 9. नेक्स्ट इज टेक द एलसीएम. एलसीएम आ गया हमारे पास 8, तो यहां हो गया 8x, दिस वन इज 4x एंड दिस वन इज 3x, ठीक है. एलसीएम के लिए कुछ नहीं किया, यहां देखिए यहां 1 है तो इसको 8 बनाना है तो मैंने दोनों को 8 से कर दिया. यहां 2 है, 8 बनाने के लिए
फोर से कर दिया, और यहाँ ऑलरेडी एट है तो इसको वन से ही रखा, तो यहाँ क्या बन गया मेरे पास 8x, और इधर 4x, और यहाँ 3x इक्वल्स टू 9। 8x माइनस 4x और 3x दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड होंगे, इट विल बी 7x, और साइन किसका लगेगा, बड़ा नंबर वाला, तो बड़ा नंबर कौन है 4x, वो है नेगेटिव, तो साइन लगेगा नेगेटिव, अपॉन 8 इक्वल्स टू 9, यहाँ हो गया, इसको कर देते हैं बंद। तो ये हो गया 8x माइनस 7x, दैट इज x, x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 वहां डिवाइड हो रहा है x से, तो जैसे ही वो राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा इट विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया 9 8 72, तो x इक्वल्स टू 72, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डियर कितने थे हर्ड में, 72। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। Thank you.